नमस्कार, मैं हूं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कहते हैं पिंडदान करने के बाद हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन कोरोना के कारण ना तो पिंडदान किया जा रहा था, ना ही पितरों के मोक्ष को लेकर की जाने वाली पूजा की जा रही थी, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि इस साल राहत की खबर सामने आई है, जिसके तहत कोरोना के कारण बंद पड़े पिंडदान का आयोजन इस बार होने वाला है। साल 2020 से ही बिहारवासी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस बार आप ऐसा कर सकेंगे, जिसकी शुरुआत 19 सितंबर से शुरू होने वाली है। हालांकि ध्यान रहे कि सिर्फ लोगों को पिंडदान की ही अनुमति दी गई है, न कि मेले की अनुमति दी गई है, यानी कि इस साल भी एक पखवाड़े तक चलने वाली पितृपक्ष मेले का आयोजन नहीं होने वाला है। हालांकि पिंडदान करने के लिए गया पहुंचने वाले भक्तों को कोरोना के दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। इस दिशा निर्देश का पालन करते ही अनुष्ठान करने की अनुमति दी जाएगी। इसको लेकर गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह के मुताबिक मेले की अनुमति नहीं है, व्यक्तियों के पिंडदान करने पर प्रतिबंध नहीं है, लोगों को अनुष्ठान करते समय कोरोना उपयुक्त व्यवहार बनाए रखने होंगे। वहीं विष्णुपद मंदिर प्रबंधन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शंभुलाल विठल की माने तो 26 अगस्त को फिर से खुलने के बाद भक्तों ने विष्णुपद मंदिर में आना शुरू कर दिया है। कोरोना से बचाव को लेकर सरकार की तरफ से कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जारी सभी मानक संचालन प्रक्रियाएं यानी कि SOP का पालन किया जा रहा है। मंदिर के गर्भगृह में एक बार में केवल 20 श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बनाए रखना सभी के लिए अनिवार्य है, जिसके बाद अब 19 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत होने वाली है। जानकारों की माने तो इस दौरान पिंडदान करना अन्य दिनों की तुलना में अधिक फलदायी माना जाता है। होटल व्यवसायी, गेस्ट हाउस मालिक और पूजा सामग्री और प्रसाद बेचने वाले विक्रेता जैसे कारोबारी व्यवसाय में उछाल आने पर पितृपक्ष की प्रतीक्षा करते रहते हैं। हालांकि पितृपक्ष मेले के आयोजन नहीं होने के कारण कारोबारियों को बहुत ज्यादा ही नुकसान हो रहा है। बीते 1.5 साल में मेले पर लगी पाबंदी के कारण कई कारोबारियों के सामने खाने पीने तक की समस्या उत्पन्न हो गई है। हालांकि इस साल पिंडदान के आयोजन को लेकर मिली अनुमति के बाद वित्तीय संकट का सामना कर रहे व्यवसायियों को राहत मिली है, क्योंकि COVID-19 के प्रभाव के बाद से ही लगातार पितृपक्ष मेले और पिंडदान की पूरी प्रक्रिया को बंद करके रखा गया था, लेकिन फिलहाल मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि वैज्ञानिकों ने संभावित तीसरी लहर को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी है और फिलहाल बिहार में कई बच्चों के बीमार होने की जानकारी भी सामने आ रही है। ऐसे में सरकार किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं करना चाहती है। यही कारण है कि पितृपक्ष मेले को लेकर के अनुमति तो जारी नहीं की गई है, लेकिन लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पितृपक्ष मेले के बजाय सिर्फ पिंडदान की अनुमति दी है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।